गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अभी मैथ्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बराबर हमारे दो टॉपिक सिर्फ बाकी है, उसमें से आज हम पहला टॉपिक देख रहे हैं। मैट्रिक्स हमारा चल रहा था, उसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया था। बराबर अभी उसके बाद आज जो देखना है वो है सॉल्व इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। मतलब कि हमें दो या तीन इक्वेशन दे देंगे और उसको हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। बराबर ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, 3 मार्क्स के अंदर ये मेथड आ सकती है। बराबर तो एकदम ध्यान से ये मेथड देखना, आपको कैसा आएगा वो मैं आपको बता दूँ कि आपको ax प्लस और माइनस by इज इक्वल टू प्लस और माइनस c टाइप दो या तीन इक्वेशन आपको देंगे। जो 2x2 होगा तो 2 इक्वेशन देंगे, 3x3 होगा तो 3 इक्वेशन देंगे। बराबर है, और उसको आपको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। बराबर एकदम ध्यान से सांभळी लेजो। गुजराती में तमने कही दऊं छुं एक वार स्टूडेंट्स, गुजराती मीडियम वाला ने के ज्यारे पण तमने समीकरण नो संहतिनो उकेल श्रेणी थी शोधवानुं के त्यारे तमारे आ रीत करवानी। आमां एक्स प्लस और माइनस बी वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी प्रकारना बे इक्वेशन्स अथवा 3 इक्वेशन्स आपेला हशे। 2x2 होय तो 2 इक्वेशन ने 3x3 होय तो 3 इक्वेशन आपेला हशे, अने एनो उकेल तमारे शोधवानुं के त्यारे तमारे आ रीत करवानी। बराबर इसके अंदर आपको ये मेथड यूज़ करनी है, ax इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन यूज़ होगा हर एक के अंदर। ए मतलब हमें जो इक्वेशंस देंगे उसकी वैल्यू, जो उसके x या y के आगे जो टर्म होगा वो, x मतलब हमारा ऐसा होगा x एंड y, जो 3x3 होगा तो xyz होगा, और b ऑलवेज क्या होगा हमारा c1 and c2, मतलब हमारा जो नंबर है ओनली एक्स और वाई के बिना का कॉन्स्टेंट टर्म वो होगा। मतलब a ऐसा होगा, बी और सी वो ऐसा वर्टिकल में होगा। बराबर है तो एक सम हम देखते हैं। बराबर एकदम इजी सम है, आपको करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपली सम है। बराबर ध्यान से देखो कि आपको क्या बोला है, x plus 2y plus sorry is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3, सॉल्व बाय मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ax इज इक्वल टू बी लिखूंगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो सबसे पहले मैं ए बी एक्स वो सब मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, तो ए हमारा कौन सा होगा, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके आगे 2 है मतलब यहाँ पे 2, इसके आगे 2 है मतलब 2, इसके आगे 3 है मतलब 3, ये हो गया। x का मतलब 2x2 है मतलब सिर्फ x और y आएगा, और b का मतलब है क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म 2 and 3, हो गया इतना। अभी मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a इनवर्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फॉर a इनवर्स। बराबर तो सबसे पहले मैं मोड a फाइंड करूँगा, मोड a मतलब 1 2 2 3, 3 1 3 2 2 4, 3 में से 1 4 जाएगा तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट्स। ओके उसके बाद मैं क्या फाइंड करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, ये 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यहाँ पे -2 -2 हो जाएगा। बराबर और लास्ट में क्या होगा, ए इनवर्स, therefore a inverse is equal to adjoint of a upon mod a, adjoint of a कितना है, 3 -2 -2 1 upon -1। बराबर तो माइनस अंदर ले लूँ तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल गया, a inverse मिला, हो गया a inverse। चलो अभी क्या करेंगे, therefore ax is equal to b, therefore x is equal to a inverse into b है, तो a inverse कितना है, -3 2 2 -1 into b कितना है हमारा, b है हमारा 2 और 3। चलो पहली रो पहली कॉलम, तो -3 3 2 -6 +2 2 3 6 2 2 4 3 1 -3, हो गया। यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, x एंड y,
ओके देयरफॉर यहाँ पे एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स कितना होगा ज़ीरो, चार में से तीन जाएगा कितना बचेगा एक, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आया ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर होगा। फिर से एक बार देख लो, आपको ऐसे इक्वेशंस देंगे, मैं पहले टू क्रॉस टू के लिए बता रहा हूँ, सिंपल आपको करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इंटू बी, बराबर। आपको ए मतलब क्या है कि जो एक्स एक्स और वाई पहले इक्वेशन में जो है वो पहली रो में लिख रहा है, दूसरे इक्वेशन में जो है वो दूसरी रो में लिख रहा है, यहाँ पे तो एक्स और वाई आएगा और यहाँ पे जो टू और थ्री है वो आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो अभी ये हो गया, सबसे पहले मैं इनवर्स फाइंड करूँगा, इनवर्स पहले मोड फाइंड करूँगा, एडजॉइंट फाइंड किया, बाद में मैंने एडजॉइंट को ए इनवर्स में डाल दिया। अगर जो मोड ए में आपका यहाँ पे तीन आता है, मतलब जो भी डिवाइड में आता है वो नंबर को बाहर ही रखो, बराबर है, वो मैं एक सम दूसरा करवाता हूँ, बाद में जो ए इनवर्स आया उसको बी से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँ, बराबर। तो एक्स जो स्वाप पहली होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी होगी वो वाई की वैल्यू होगी, ओके। चलो एक दूसरा सम देखते हैं, अभी हम टू क्रॉस टू के लिए ही देखते हैं, 3x plus 2y is equal to 4 and x plus 3y is equal to 6, बराबर। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी होगा, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए क्या होगा 3 और 2, यहाँ पे 1 और 3, B हो जाएगा आपका 4 एंड 6, बराबर, और X हो जाएगा आपका X एंड Y, कैपिटल X ही लिखना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 4 A इनवर्स, बराबर। A इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा मोड़े, तो मोड़े के लिए मैं क्या लिखूँगा 3 2 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 9 में से 7 जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse is exists, बराबर। ये मोड मिल गया मुझे, अभी मैं क्या करूँगा adjoint of A, adjoint of A मतलब इसका ये तीन जो है ऊपर जाएगा, ये तीन नीचे आएगा, यहाँ पे माइनस दो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक हो जाएगा, ये adjoint मिल गया। यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँगा A inverse, कैसे adjoint of A upon mod A, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा 3 - 2 - 1 - 3 होल टू द डिवाइड, मोड़े कितना होगा 7, बराबर। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1/7 3 - 2 - 1 - 3, ये मुझे क्या मिल गया ए इनवर्स मिल गया। अभी मैं क्या फाइंड करूँगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी, ए इनवर्स में 1/7 यहाँ पे 3 - 2 - 1 - 1 - 3 इतना तो है ही, बराबर। अभी इनटू में बी कितना है मेरा, बी है 4 और 6, तो इसमें 4 और 6 लिख देता हूँ, 1/7 में बाहर ही रहने दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है एक्स एंड वाई, 3 4 12 प्लस -6 2 - -12, -4 1 - -4 प्लस 6 3 - 18, बराबर। देयरफॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1/7 सेम, -12 + 12 कितना होगा 0, 4 में से 18 जाए तो कितने बचेंगे 14, देयरफॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 7 0 14 / 7 कितना हो गए 2 हो गए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया, बराबर। स्टूडेंट्स तो इसी तरह से आपको करना है, बराबर, ये हमारा इक्वेशंस वाला सब हो गया, तो इसके बाकी के सब मैं आपको भेजता हूँ, बराबर, तो ये कंप्लीट कर दीजिए, थैंक यू।